क्वेश्चन नंबर सेवन ये सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर एट। जब क्वेश्चन नंबर एट सेवन की तरह ही सॉल्व होगा, सेवन और एट सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेट्स और अमाउंट्स का फर्क है। ठीक। अच्छा क्वेश्चन नंबर एट, पहले ये दो पेमेंट्स हमें दे दिए उसने। अच्छा अब इसमें देखें, सबसे पहले आप देख लें ईयर एंड कब हो रहा है इसका। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 30 जून में। तो 30 जून को फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? पिछले साल जुलाई में, जुलाई 1 से जून 30। ठीक, ये तो हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर। ड्रॉ कर लिया। अच्छा ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, मंथ ही काफी है। ठीक है, तो ईयर एंड जून में हुआ, तो स्टार्ट हुआ जुलाई में। अब पेमेंट की डेट्स मार्क करते हैं। अब ये लिखा देखिए, पेमेंट्स का क्या बता रहे हैं। प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2008 पेड इन अप्रैल 7। अब पेमेंट उसने अप्रैल में किए मार्च तक, फिर अप्रैल से मार्च। ठीक है, सेकेंड पेमेंट भी मार्च 9 है, पेड इन अप्रैल 8। तो पेमेंट आपकी डेट क्या हो गई, अप्रैल से मार्च, फिर अप्रैल से मार्च। पहली पेमेंट उसने यहाँ की होगी अप्रैल 1 में, अप्रैल 1। पहली पेमेंट कितनी है आपकी, 25,920। ये कब तक के लिए होगी, मार्च, मार्च तक की पेमेंट होगी, मार्च 31। उसके बाद दोबारा से पेमेंट की अप्रैल 1 में, 28,800। नेक्स्ट ईयर के मार्च तक के लिए होगी ना। ठीक है, ये हमारी पेमेंट की डेट्स हो गई, यहाँ तक क्लियर। अब हमें चाहिए जुलाई से लेके जून तक के एक्सपेंस। जुलाई से पहले हम जुलाई से लेकर मार्च तक के एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट होंगे 25,920 से। उसके बाद अप्रैल 1 से लेकर जून 30 तक के एक्सपेंस कैलकुलेट होंगे 28,800। सही है। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या था, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब जुलाई से लेकर मार्च तक के एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे 25,920 से। जुलाई से मार्च कितने मंथ हुए, 9। ये तो हो जाएगा 9/12। ये तो हमारे 9 मंथ के एक्सपेंसेस हो गए। के बाद अप्रैल से लेकर जून तक कितने मंथ हुए, अप्रैल मई जून 3 महीने, 3 मंथ्स के एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे 28,800 अपॉन। अब ये 9 मंथ्स का अमाउंट बताएं क्या बना, 19,840 प्लस 7,100, टोटल करें दोनों का 26,640 हो जाएंगे आपके इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब हमें प्रीपेड इंश्योरेंस निकाल लेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस तो देखिए 28,800 में से ये 3 मंथ्स के तो हमारे एक्सपेंस हो गए ना, तो बाकी कितने बचेंगे जुलाई से लेकर मार्च तक, 9 मंथ, 9 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीपेड होगा। 28,800 इंटू 9/12 किस 21,600, ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा करंट एसेट। ओके, तो कॉपी कर लें। हाँ क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें द स्क्वायर व्हील गैरेज पेस फायर इंश्योरेंस एनुअली इन एडवांस ऑन 1 जून ईच ईयर। द फर्म्स फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 28 फेब। अच्छा इसमें जरा डेट्स कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी समझ लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ इंश्योरेंस पेमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्रूड और प्रीपेड एक्सपेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू 28 फेब 2007। सब ईयर एंड कब हो रहा है,
28 फेब को हो रहा है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? जनवरी में स्टार्ट हुआ, फेब में एंड हुआ। 28 फेब के बाद क्या डेट आती है? मार्च। मार्च में स्टार्ट होगा ना, कैलेंडर आउट हो गया आप लोगों का। तो 1 मार्च को इसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और 28 फेब को फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, ठीक है। ये तो फाइनेंशियल ईयर हो गया। पेमेंट की डेट्स, पेमेंट कब कर रहा है वो? जून 1 2005 टू मई 31 2006, जून से मई तक पेमेंट हो रही है। एक पेमेंट इसने की होगी लास्ट ईयर जून में, जून 1 पे। कितने पे कर रहा है? 1600, क्योंकि कब तक के लिए? करंट ईयर के मई तक के लिए होगी, मार्च अप्रैल मई, मई 30 पर, ठीक। इसके बाद फिर दोबारा वो पे कर रहा है जून 1 को, कितने? 1700, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के मई तक के लिए होगी। क्लियर? जून से मई और जून से मई। अब हमें चाहिए मार्च से लेकर फेब तक के एक्सपेंस कैलकुलेट। तो पहले हम मार्च से लेके मई तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। मार्च अप्रैल मई 4 मंथ्स, मार्च अप्रैल मई 3 मंथ्स के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। कितने से? 1600 से ना। और उसके बाद जून से फेब तक ये बनेंगे 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे 1700, ठीक है। ये 3 मंथ्स के एक्सपेंस कितने होंगे? 400। ये लास्ट 9 मंथ्स के एक्सपेंस कितने होंगे? 1275। दोनों दोनों को ऐड कर लें, 1675 हो जाएंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट करते हैं। देखिए, फेब में ईयर एंड हो गया मार्च, तो मार्च अप्रैल मई 3 मंथ्स के प्रीपेड हो जाएंगे ना। 3 मंथ्स का एक्सपेंस प्रीपेड होगा 1700 × 3/12, 425 प्रीपेड इंश्योरेंस। क्लियर? कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें इसका फाइनेंशियल ईयर देखिए एंड कब हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 30 नवंबर 6, नवंबर में ईयर एंड हो रहा है। तो स्टार्ट कब होगा? दिसंबर। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर ड्रॉ कर लेते हैं, दिसंबर 1 से नवंबर 30, इट इज का फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब पेमेंट की डेट्स क्या है? पेमेंट वो कर रहे हैं 1 अप्रैल को, ठीक है, यानी कि अप्रैल से मार्च, फिर अप्रैल से मार्च हो गया ना। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट और है, वो भी समझाता मैं। पहले तो हम अपना एक्सपेंस निकाल लेते हैं, उसमें वो नया पॉइंट यूज नहीं होगा। अप्रैल से लेकर पहले रेंट कितना था? 120,000। ये होगा अप्रैल से लेके मार्च तक ना, मार्च 30। और फिर अप्रैल 1 को पे करेंगे, कितने पे कर रहा है वो? 144,000, जो कि नेक्स्ट ईयर के मार्च तक का एक्सपेंस हो जाएंगे ना, मार्च 30। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमें चाहिए दिसंबर से लेके नवंबर तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करने। इसमें देखिए, पहले हम दिसंबर से लेके मार्च तक के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे 120,000 से ना। दिसंबर से लेके मार्च तक के एक्सपेंस कैलकुलेट होंगे 120,000 से। अब लिखेंगे 1,20,000। अच्छा, दिसंबर से मार्च कितने मंथ्स हुए? 4 4/12 प्लस अप्रैल से लेकर नवंबर तक हो जाएंगे 8 मंथ्स, 8 upon 12, ये 4 मंथ्स के एक्सपेंस होंगे 40,000, और 8 मंथ्स के एक्सपेंस
96,000 दोनों को ऐड कर लेंगे तो रेंट एक्सपेंस आ जाएंगे टोटल हमारे पास 1,36,000 रेंट एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस हो गए 136,000। आप प्रीपेड रेंट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा इसमें अब एक चेंज है क्वेश्चन में, चेंज यहाँ पर क्या है, जो पेमेंट हो रही है वो क्वार्टरली पेमेंट हो रही है, एनुअल पेमेंट नहीं है। ऊपर जो उसने ये अमाउंट दिए थे 120,000 और 144,000 ये एनुअल अमाउंट थे, एनुअल रेंट बताया हुआ, लेकिन पे वो कर रहा है क्वार्टरली। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पे एनुअली पेमेंट हो रही थी लेकिन यहाँ पर पेमेंट होगी क्वार्टरली। तो अब हमें पहले इसको पहले हाँ करंट रेंट कितना है 144 से, तो पहले हम क्वार्टरली रेंट निकाल लेते हैं कितना बनेगा ना। पहले तो हम क्या करते हैं, एनुअल रेंट है 1,44,000, इसको कन्वर्ट करते हैं क्वार्टर में। वन क्वार्टर का रेंट कितना होगा, ₹36,000 आ गया क्वार्टरली रेंट। ठीक है, तो देखिए ईयर एंड कब हो रहा है, नवंबर में। लास्ट रेंट इसने कब पे किया होगा, अभी चार डेट्स हैं पेमेंट की, January 1, April 1, July 1, October 1। ईयर एंड नवंबर में हो रहा है तो नवंबर से पहले अक्टूबर आता है ना, तो लास्ट रेंट इसने पे किया होगा 1 अक्टूबर को, और वो होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का रेंट, 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ईयर एंड कब हो रहा है, नवंबर में, तो दिसंबर 1 महीने का रेंट प्रीपेड होगा। ठीक, अब 36,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 से, तो 12,000 प्रीपेड रेंट आ जाए, 12,000। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट था, यहाँ पे पेमेंट जो है वो क्वार्टरली हो रही है, पिछले क्वेश्चन में एनुअल पेमेंट। ठीक है, ओके, क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा अब यहां से अब टॉपिक में एक चेंज आएगा, क्वेश्चन में एक चेंज आएगा। अब तक जो क्वेश्चन हमने किए थे वो थे टाइम बेस्ड, जिसमें एक टाइमलाइन बनाकर हम कैलकुलेशन कर रहे थे। अब जो क्वेश्चन है 11 से ऑनवर्ड्स, इनमें बनेगा टी अकाउंट, अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें टी अकाउंट बनेगा, टी अकाउंट बनाकर हम एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। अच्छा अब आपको ये पता है एक्रूअल्स की नेचर क्या होती है, लाइबिलिटी और प्री पेमेंट के नीचे एसेट्स होते हैं, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस के साइड पे आता है और प्री पेमेंट्स का ओपनिंग एसेट्स का ओपनिंग डेबिट हो जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं और इसमें बनाएंगे अब हम टी अकाउंट। जेम्स बेल हैज दिसंबर ईयर एंड प्रिपेयर द अकाउंट्स फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंस हेडिंग एंड कैलकुलेट द एनुअल चार्ज टू द इनकम स्टेट। एक इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बनेगा, दूसरा रेंट अकाउंट। तो टी अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फॉर्मेट कॉपी कर लें इसका, टी अकाउंट का। ये टी अकाउंट उठा लेते हैं यहाँ, फॉर्मेट यहां से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें बनेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट बनेगा। ठीक, ओके, पहले का इलेक्ट्रिसिटी ओपनिंग एक्रूअल्स वाज 172, एक्रूअल्स का ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा एक्रूअल्स की नेचर क्या होती है, लायबिलिटी, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आए 172। इसके बाद क्लोजिंग एक्रूअल इज 238, accruals का क्लोजिंग आ जाएगा डेबिट साइड पे 138। इसके बाद इनवॉइसेस टोटलिंग 697 वर रिसीव्ड एंड पोस्टेड टू द लेजर ड्यूरिंग द ईयर, ये हमारी पेमेंट्स हो जाएंगी टोटल। पेमेंट्स की एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा ना, 697 एक्सपेंस हमने पे किया डेबिट हो। आप अकाउंट क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं, टोटल बनेगा 935, माइनस करें इसमें से 172,
763 बैलेंसिंग फिगर, और ये होंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस जिसे हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और ये जो कैरी डाउन थे यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का ब्रॉट डाउन हो जाएगा 238। तो हम जब ईयर एंड पर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो उसमें एक्सपेंस चार्ज होंगे 763, और जो ईयर एंड पर बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें एक्रूअल्स रिकॉर्ड होंगे एज अ करंट लाइबिलिटी 238। अच्छा, अब यहाँ पे एक और समझते थे कि हमने अकाउंट बनाया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का, तो इलेक्ट्रिसिटी तो एक्सपेंस है ना, और इसमें हमने ये एक्रूवल्स भी रिकॉर्ड कर दिए। एक्रूवल्स की नेचर तो लाइबिलिटी होती है, और ठीक है। तो असल में कि आप ये जो टी अकाउंट हम बनाएंगे ना, ये क्या, ये असल में ये 3 in 1 अकाउंट होगा। अभी प्री पेमेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, प्री पेमेंट भी इसी में रिकॉर्ड होंगी। तो असल में ये जो अकाउंट है ये है 3 in 1, ये एसेट अकाउंट भी है, एक्सपेंस अकाउंट भी है, और लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। तीनों अकाउंट है, 3 in 1 है। इसको हम देखें, जैसे अगर आपने कोई बीकॉम में से, तो कोई नहीं आपसे ना, बीकॉम में जब ये टॉपिक पढ़ाया जाता है तो वहां इसमें 3 अलग अकाउंट बनते हैं। एक एक्सपेंस का होता है, एक लायबिलिटी का बनता है, और एक एक्रूअल्स का होता है, और एक अकाउंट प्री पेमेंट्स का होता है। इसको मैं अलग करके बना देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे कंबाइन अकाउंट बने, ठीक है, 3 in 1 अकाउंट होगा। सब यहाँ हम इसको अलग कर लेते हैं। देखिए, एक्रूवल्स है, एक्रूवल्स के नीचे लाइबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे 172, और इसका क्लोजिंग कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट पे कितना, 238, सही है। अभी हमने एक्सपेंस पे किया, एक्सपेंस पे करेंगे तो एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं 697, ठीक है। अब पहले हम ये लाइबिलिटी अकाउंट क्लोज करेंगे, 238, 238 डिफरेंस निकालें जरा, 172 माइनस करें इसमें से, ठीक है, 66। अच्छा विकसित, और बताएं, यहाँ पे पहले हमारी लाइबिलिटी थी 172, अब लाइबिलिटी हो गई 238, एक्रूअल्स इंक्रीज हुए, तो एक्रूअल्स इंक्रीज होने के बाद अब एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, आपके लायबिलिटी बढ़ रही है ना, यानी कि आपने एक्सपेंस पे नहीं किया, तो 66 से आपके एक्सपेंस क्या हो गए, इंक्रीज। तो ये 66 यहाँ पर जाके डेबिट हो जाए, एंट्री क्या हो गई, एक्सपेंस डेबिट, एक्रूवल्स क्रेडिट हो गए 66। अब एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करें 763, 763 बैलेंस कितना आएगा, 763, और ये कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ट, ठीक है। एक्सपेंस कितने हुए, पहले कितने थे, सेम आंसर आ रहे हैं, और ये कैरी डाउन है तो ये नेक्स्ट ईयर में जाके शॉर्ट डाउन हो जाएगा 238। इन दोनों अकाउंट्स को अगर आप मर्ज कर लें, इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर लें, ये हमारा एक अकाउंट बन जाएगा। एक्रूअल्स का ओपनिंग बैलेंस 172 क्रेडिट पे आ गया, एक्रूअल्स का क्लोजिंग बैलेंस 238 डेबिट पर आ गया, पेमेंट हमारी डेबिट साइड पर आ, तीन ट्रांजेक्शन थी, ओपनिंग क्लोजिंग पेमेंट ना। अब इसको आपने बैलेंस किया तो वही आंसर आ गया 760। तो अब चाहे दो अलग अकाउंट बना लें या कंबाइन बना लें, आंसर सेम। तो ये भी कॉपी कर लें, अलग अलग दोनों सेपरेट, ये भी आपको याद रहेंगे। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एक चीज और समझ लें, ये जो 66 हमने डेबिट किए ये भी समझा देता। देखिए प्रैक्टिकली तो ये होता है ना कि आप जैसे आप पिछले साल का क्लोजिंग, तो इस साल का ओपनिंग हो गया, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पे लिख, और जरा क्लियर कर देता हूँ, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, ये क्रेडिट पे आ गया। तो करंट ईयर में हमने बिल्स पे किए, पूरे साल हमने 697 के बिल्स पे किए। अब ईयर एंड जब होगा तो ईयर एंड पे हमारे पास कुछ एक्रूवल्स आएंगे ना, आखिरी बिल हमारा एक्रूड होगा, जैसे आखिरी महीने का। अब सपोज वो आपको अमाउंट कितना दिया, अभी डिफरेंस आया था 66 का, अब 66 का बिल आपका एक्रूड है,
अच्छा एक्रूवल्स की एंट्री क्या होती है? एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री मैंने लिखवाई थी ना, एक्सपेंस डेबिट हो जाते हैं, एक्रूवल्स क्रेडिट। तो एक्सपेंस डेबिट, ये 66 से एक्सपेंस डेबिट हुए और एक्रूवल्स आपके 66 से क्रेडिट हो गए। एंट्री क्या बनी ईयर एंड पर? एक्सपेंस डेबिट एक्रूवल्स क्रेडिट। अच्छा अब अकाउंट क्लोज करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करेंगे, टोटल कितना है? 763। 763 ये तो हो गया हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस, जिसे हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब एक्रूअल अकाउंट का बैलेंस करते हैं, टोटल कितना बना? 238। 238 तो कैरी डाउन कितना आएगा? 38 जो कि गिवन है वही आ गया। सही क्लियर? अब हमने क्या किया, इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर लिया, कंबाइन किया, तो ये एक अकाउंट बन गया हमारा थ्री वन। सही। हाँ तो ये टू इन वन अकाउंट आगे जाके थ्री इन वन हो जाएगा क्योंकि इसमें प्री पेमेंट्स भी आएंगे। सही तो बुक्स में एग्जाम किट में सब जगह इसी तरह कंबाइन एक ही अकाउंट बना हुआ आएगा, तो इसी की प्रैक्टिस करेंगे, बजाय अलग अलग बनाने के एक अकाउंट बनाएंगे। अच्छा इसका एक क्वेश्चन और है, ये कंप्लीट करके फिर ब्रेक लेंगे। रेंट अकाउंट, अब एक रेंट एक्सपेंस का टी अकाउंट बना लेते हैं, कॉपी भी एक साथ कर लीजिएगा। रेंट एक्सपेंस ठीक है। अब ये क्या, ओपनिंग एक्रूवल्स वॉज 365, एक्रूवल्स का ओपनिंग आ गया क्रेडिट पे 365 एंड क्लोजिंग एक्रूवल इज 28, एक्रूवल्स का क्लोजिंग आ गया डेबिट पे 28। इनवॉइस टोटलिंग 756 वर रिसीव्ड एंड पोस्टेड टू लेजर ड्यूरिंग द ईयर। 756 ये डेबिट हो जाएंगे यहाँ पर। आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे 784, 784 माइनस करें 365, 365 माइनस करें 784 माइनस 365 419, 419 ये हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के रेंट एक्सपेंस, जिससे हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये अक्रूवल्स हमारे नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन हो जाएंगे 28। क्लियर?